हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मिक्की स्लाइड टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मशीन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। मैं इसका कवर बताऊंगी जो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं यूजफुल है और आपका मशीन एकदम सेफ हो जाएगा। इसके लगाने से आपकी मशीन एकदम गंदा नहीं होगा, इसके अंदर बचा रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह का ये मशीन तैयार होगा बनकर, और इसके नीचे की पाइपिंग भी मैं लगाऊंगी और ये सेफ वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों को इस मशीन का कवर बताऊंगी और जो कि बहुत ही आसान है। ये मशीन गंदा हो जाता है इस तरह रखने से, तो अंदर में बहुत सारे धूल जम जाते हैं। तो इसका कवर मैं बनाऊंगी। इसकी मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। इस तरह हमें नीचे से इस तरह रखना है और ये देखिए, यहाँ से लेना है ये धागा वाला, आप देख सकते हैं, इसे भी लेना है और अंत तक जाना है। तो ये हमारा हो रहा है 31। ये देखिए, हमारा 31 हो रहा है पूरा। अब इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ कि कैसे लेना है। यहाँ से यहाँ हमें लेना है, ये देखिए 14 इंच आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी, तो 15, और उधर हो गया 31। तो 31 और 15 में हमें लेना है। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को पहले से इस तरह सिल के रख लिया है और इसकी चौड़ाई हमें 15 है और ये लंबाई हमारी, ये हमारा 31 है। तो ये देखिए, मैंने एक कपड़ा नीचे भी रखा है और बीच में मैंने फोम रब भी दिया है। आप चाहे तो प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, जो चावल की बोरी आती है, आटे की बोरी आती है, आप वो भी दे सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप दे सकते हैं। तो ये देखिए, पहले से हमने इस तरह बना लिया है। अब मैं इसकी बगल की मेजरमेंट बताती हूँ कि इस तरह हमें यहाँ पे इस तरह रखना है, यहाँ से और यहाँ नीचे तक। ये देखिए, तो हमारा हो रहा है 12, तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी, तो ये 13 हो जाएगा हमारा। और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 7, क्योंकि ये हमारा 7 इसलिए रखना है कि एक्स्ट्रा हमें लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो, क्योंकि हमारा इधर का जो भाग है, ये देखिए, इधर का भाग हमारा थोड़ा चौड़ा है और उधर का पतला है, तो हमें 7 रखनी है। तो ये देखिए, इस तरह हम अगर 7 रखेंगे तो हमारे सिलने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, बगल वाले भी हमने तैयार करके रख लिया है इस तरह कट करके, और इधर भी पीछे में हमें लगा लेना है और बीच में फोम लगाना है। और इसे थोड़ा सा इस तरह पहले हम चकोर ही काटेंगे जैसे इस तरह है, और बस हल्का सा हमें राउंड दे देना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा हल्का सा, देखिए जैसे मैंने दिया है। तो इसी तरह अब चलिए इसे मैं ज्वाइंट करना आपको बताती हूँ। अब हमें इसे क्या करना है, इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे और दोनों बीच सेंटर में हमें इस तरह रखकर यहाँ पे कट कर लेना है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए, ये बीच सेंटर पे इस तरह हमें कट कर लेना है और उधर भी कट कर लेते हैं। इस पे कट करने के बाद अब हमें इस पे भी बीच में इस तरह रखेंगे, ये देखिए इस तरह बराबर करके, और जहाँ पे आ रहा है उसे भी हम इस तरह कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह ये कट पे हमें रखना है और ये कट पे रखना है। पहले इस तरह पकड़ के, ये देखिए, इस तरह पकड़ के सारा पे हमें सिलाई कर देना है, फिर उधर वाले पे करना है। तो चलिए किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दोनों कट को हमने बीच में मिला लिया है इस तरह, और हम रखेंगे इस तरह, और इसी तरह घुमा घुमा कर, ये देखिए इस तरह हमें, सॉरी, इस तरह हमें नहीं सिलना, उल्टे में हमें सिलना है। इस कपड़ा को उल्टा रखना और नीचे वाले को सीधा रखना है। तो ये देखिए, इस तरह हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम इसे घुमाकर इसे पूरी तरह सिलाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं, फिर यहाँ तक आएगा। तो ये देखिए, इस तरह हमने आधा सिलाई कर लिया। अब जो बचा हुआ है इसे भी इस तरह करके इस तरह सिल लेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ हमारा अच्छे से, देखिए, सिल चुका है। ये देखिए, राउंड शेप में चला गया। सेम इसी तरह जैसे मैंने ये वाला किया, सेकेंड इधर भी हमें सिल लेना है, बीच में इसे कट करना है और यहाँ पे भी कट करना है, और इसी तरह शेप देके सिल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह ये कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ से हमने सिलाई कर दिया और सीधा भी कर दिया। अब हमें नीचे में पाइपिंग लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमें पाइपिंग लगा लेते हैं। कोई भी कपड़ा का आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं इसी की पाइपिंग लगाऊंगी। और हमें बस 2 इंच का हमें इस तरह कपड़ा कट कर लेना है, सीधा सीधा, इसमें कोई उरेवी नहीं कट करना है। ये देखिए, इस तरह
अब 2 इंची का इसी तरह सारा हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमें इसे पाइपिंग लगाने के लिए हम इसे उल्टा पे रखेंगे इस तरह, और इसे हमें सिलाई कर देना है चारों तरफ। पहले इस तरह उल्टा रख कर सिल लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज हमारे चैनल को देखकर बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आपका कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, चारों तरफ हमने सिलाई कर दिया। अब हमें इस तरफ पाइपिंग बैठाना है, आगे की तरफ इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह हम इस पे सिलाई कर देंगे, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बन के कवर तैयार है। मैं मशीन में आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये देखिए, मशीन एकदम कवर हो चुका है और बहुत ही सेफ हो चुका है। और ये गद्देदार बना है क्योंकि इसमें मैंने फोम दे के बनाया है। तो ये बहुत ही आपका जो मशीन है सेफ हो गया है। और देखिए, चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह एकदम सेफ हो चुका है। ये देखिए, इधर किधर की लुक भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। और नीचे पाइपिंग लगाने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें पैकेट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पैकेट नहीं लगाऊंगी, मुझे पैकेट पसंद नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह कपड़ा ज्वाइंट करके और इस तरह 2 भाग में इस तरह से सिल दे तो पैकेट बन जाएगा। तो मैंने नहीं बनाया है, आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है, इस तरह लंबाई में आप ले लें और चौड़ाई आपको 5.5 ले लेंगे तो हो जाएगा, पैकेट भी बन जाएगा। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया नया वीडियो आपको पहुंचेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो